नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागतम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और हैप्पी दशहरा टू ऑल जो भी यहाँ पर है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो बेसिकली कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो गया था, आई वॉज वैनिश्ड, तो वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा सपोर्ट आपका था ऑलरेडी वैसा ही बनाए रखे, और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा सपोर्ट करे। तो अभी थोड़ा कुछ वर्कआउट वगैरह करूँगा मैं, वो शूट कर लेता हूँ। बाहर जाके कुछ हमको काम करना था, आज वो किया, शूट नहीं कर पाया। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा काफ़ी शॉर्ट रहेगा, मैं थोड़ा कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ आपको जो वर्कआउट में करने वाला हूँ। तो वही सारी चीज़ें शूट कर लूँगा और वही अपलोड करूँगा, और कल से व्लॉग वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे होपफुली। और कमेंट में बताइएगा आपको कौन से व्लॉग ज़्यादा देखना पसंद है, मेरी डेली लाइफ के या फिर मैं कुछ अगर वर्कआउट्स कर रहा हूँ और मेरे ड्रेसिंग्स वगैरह मैं आपको बताऊँ, क्या चाहते हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैं क्या वर्कआउट करने वाला हूँ। तो सोच रहा हूँ कि आज फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि आज वर्कआउट नहीं किया, संडे था तो मेरा क्लब का वर्कआउट नहीं था, तो आज नॉर्मली मैं वर्कआउट करूँगा जो फुल बॉडी वर्कआउट रहेगा, तो मैं वो शूट कर लेता हूँ। तो बेसिकली फुल बॉडी वर्कआउट में मैं क्या क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो फुल बॉडी वर्कआउट में हम एंगेज करेंगे हमारे लेग्स, हमारा चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप, फोर आर्म्स, और हाँ हमारे क्रंचेस, एब्स भी थोड़ा इंक्लूड कर लेंगे। तो ये फुल बॉडी वर्कआउट में कुछ चीज़ें मैं करने वाला हूँ, तो वो चीज़ें आप अभी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारा सेकेंड वर्कआउट रहेगा लंजेस। तो लंजेस कैसे परफॉर्म करने हैं वो देख लीजिए। दोनों पैरों में जो डिस्टेंस रहेगा, एक पैर आपको आगे रखना है, एक पीछे रखना है, डिस्टेंस इतना ही रखिए जितना आप बैलेंस कर पाए, और नीचे जाते वक्त आपको पीछे जो पैर है उसको नीचे पुश करना है, आपका नी जो है वो टोके आगे नहीं आना चाहिए। लाइक दिस एंड कम, दिस एंड कम, नीचे जाना है ऊपर आना है, और दोनों पैरों में आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लंजेस परफॉर्म करेंगे। हमने खत्म कर लिए, तो अभी नॉर्मली हम पुशअप्स करेंगे। तो पुशअप में आपका बैक भी इंक्लूड होता है, ठीक है, आपके ट्राइसेप इंक्लूड होते हैं, आपके चेस्ट इंक्लूड होती है, और बाइसेप भी थोड़े से इंक्लूड होते हैं, तो वो एक अच्छा सेट रहेगा। तो उसके साथ साथ हम डंबल कर्ल करेंगे, तो दोनों में आपको सुपर सेट कैसे करना है दिखा देता हूँ। तो आपको जितना आपका हो सकता है वन सेट में, उतना ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप पुशअप्स करें, उसके बाद उस सेट के 10 सेकंड का ब्रेक लेके आप डंबल कर्ल आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगेन जो आपके हाथ में का डिस्टेंस रहेगा दोनों हाथों के बीच वाला, तो आपके शोल्डर लेवल जितना होगा, आपका बैक और हिप बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपको कोर एंगेज करके रखना है, स्कैपल आपका ऊपर रहेगा। नीचे जाते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मैंने एक सेट में प्रेटी पुशअप किए, उसके बाद हम डंबल कर्ल करेंगे 10 सेकंड का ब्रेक लेके। तो डंबल कर्ल करते वक्त आपको शोल्डर पीछे लेना है, हाथ आपको एक ही जगह पे रखना है, आपका एल्बो जो है वो मूव नहीं होगा, बस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये हो गया हमारा पहला सेट जिसमें हमने 20 पुशअप करे और 24 डंबल कर्ल्स, मतलब 12 ईच साइड। 100 पुशअप कंप्लीट करने के लिए जितने भी सेट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने करूँगा, अगर मुझसे 30 होता है तो मैं 30 करूँगा
या अगर 20 रेप्स होते तो 20 रेप्स करूँगा, जितने ज़्यादा रेप्स मैं कर पाऊँगा उतने ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और सेम डंबल कर्ल के साथ भी रहेगा कि डंबल कर्ल भी आप जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा करिए, तो उसमें कोई टारगेट नहीं है, लेकिन जितना आपका पंप अच्छा आपको मिले उतना आपको परफॉर्म करना है। तो मैं फिनिश कर लेता और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद आपको मिलता हूँ। पुशअप्स और डंबल कर्ल हो गए, तो मैंने 4 सेट्स में कंप्लीट किया है, 30 के 2 सेट्स और 20 के 2 सेट्स, ऐसे मैंने 50-50 करके 100 सेट्स कंप्लीट किए। और डंबल कर्ल जो है मैंने 15-15 के किए हैं। अभी हम चेस्ट एक्सरसाइज लगाने वाले हैं फुल बॉडी एक्सरसाइज में। अभी हमारे पास फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलने वाला हमको, तो हम हाफ रेंज ही जाएंगे, मतलब नीचे ज़मीन पे आपका हाथ टच होगा और वापस आप ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो नॉर्मली आपको हेवी बैग, वाटर बॉटल्स या और कोई चीज़ घर में जो हो जो आप कैरी कर सकते हो, उन चीज़ों से आप लगाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम इस तरीके के सेट्स लगाएंगे। तो इसमें भी मैं 3 से 4 सेट्स लगाऊंगा। मैं 20-20 रेप्स करने वाला हूँ क्योंकि वेट मेरे पास बहुत लाइट है, 10-10 पाउंड के मतलब 5-5 kg के मेरे पास डंबल्स है। तो बिना फुल रेंज के मैं एक ऐसा करूँगा जिसमें मेरा चेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मैं हाथ ज़मीन पर नहीं टच करूँगा, वो ऑल द टाइम कॉन्ट्रैक्शन मोड पर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ज़्यादा असर होगा। हमारा चेस्ट वर्कआउट भी कम्प्लीट हो गया है। और एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, मैंने फीट के पीछे एक पिलो ले लिया था जिससे मेरा रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया था, तो इससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना एक पिलो के साथ। तो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो रहेगी क्रंचेस। तो क्रंचेस में मैं जो है वो टो टचेस क्रंचेस करता हूँ, टो टच क्रंचेस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे वो इसलिए पसंद है उसमें आपका लोअर ऐप, मिडल ऐप और अपर ऐप तीनों कवर होता है। तो क्रंचेस कैसे है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और उसके मैं 3 सेट करूँगा 30-30 के, और नॉर्मल रशियन ट्विस्ट जो रहेगा वो परफॉर्म करूँगा 1 मिनट के लिए 3 सेट्स। आपको हाथ पूरे एक्सटेंड करना है जिससे पैर आपके, तो आपका लेफ्ट पैर और राइट हैंड एक साथ टच करेगा, आपकी बैक आपको उठानी है ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको वो क्रंचेस करने हैं। आप अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं आप बेसिक क्रंचेस करिए, लेग्स आपकी जितने हिप के हिप है हिप के पास आप रख सकते हो, और आपको पूरा बैठना है और नीचे टो की तरफ टच करना है। अगर आप ये कर सकते हो तो ये करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका रहेगा ये कि आपको इफेक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा आपके मिडल और अपर कोर पर, लेकिन उसमें लोअर कोर एंगेज नहीं होता है तो उसकी आपको अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं जो टो टच क्रंचेस कर रहा हूँ उसमें आपका तीनों क्रंचेस जो है मतलब तीनों एब्डोमिनल ऐड हो जाते हैं, जैसे कि अपर कोर हो गया, लोअर कोर और आपका मिडल कोर। तो ये ज़्यादा बेनिफिट वाली एक्सरसाइज रहेगी जो कम समय में आप अच्छा इफेक्ट देगी। तो ये रहेंगे आपके बेसिक क्रंचेस, इसके मैं 3 सेट्स करूँगा। और जब भी आप ऊपर की ओर आ रहे हैं आपको एक्सहेल करना है माउथ से, ओके, व्हाइल यू गो बैक इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड व्हेन यू कम अप एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। और हमेशा याद रखिए हर सेट होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। पानी पीना क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। हमारे टो टचेस क्रंचेस जो है वो भी फिनिश हो गए। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो रहेगी 1 मिनट के लिए कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास वेट है आप वेट ऐड कर सकते हो तो वेट ऐड करिए, अगर नहीं तो नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, जो कि रहेगा रशियन ट्विस्ट। कैसे करना है बताता हूँ। लेग्स जो है
हवा में रहेंगे, ओके, ज़्यादा ऊपर नहीं, इतना ऊपर आपको 90 डिग्री लेके जाने की जरूरत नहीं, नीचे की ओर थोड़ा सा पीछे की ओर टिल्ट करना है आपको और बोथ साइड टच करना है, ओके। इस तरीके से ये एक्सरसाइज रहेगी कि हमको 1 मिनट के लिए परफॉर्म करनी है। तो मैं इसके भी 3 सेट लगाऊंगा और ये कंप्लीट करने के बाद आपको पानी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, आप वेट कैसे लूज कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो स्टे ट्यून और पूरा वीडियो देखिए। तो गाइस मैंने जो है 3 सेट कंप्लीट कर लिए है, तो पसीना आप देख सकते हो कितना सारा आया हुआ। तो हाँ, ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि आप जब पानी पी रहे हो तो आपको पानी क्यों पीने की ज़रूरत है और क्यों आपको बोला जाता है कि पानी पीना है। हमारे बॉडी में जब भी हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम सांस फूल जाती है हमारी, राइट, तो हमारे अंदर हम ऑक्सीजन कम लेते हैं और पानी जो होता है वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पानी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, H2O, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वो चीज़ें जो है हमको हेल्प करती है। और सेकेंड थिंग कि हमको जो क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प जो होते हैं, वो उसकी वजह से नहीं होता है। थर्ड थिंग, आपको जब भी वेट लूज़ करना होता है तो ध्यान में रखिए आपको कैलोरीज डेफिसिट पे जाना पड़ता है। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो 2000 से कम का आपको कैलोरीज लेना है, कैलोरी इंटेक कम करना है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से आपको सरप्लस करना होगा। तो ये सिंपल सा रूल होता है वेट बढ़ाने के लिए या वेट घटाने के लिए। तो मैं जैसे कि अभी गेनिंग पे हूँ तो मैं कैलोरी इंटेक बढ़ाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे डेली फूड, मतलब डेली जो है मैं 2500 कैलोरीज मैं ऐड करूँ। तो मेरे मील जो होते हैं दिन में, अगर मैं 5 मील्स खा रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं 5 मील्स खाता हूँ। तो 5 मील का मतलब 2 स्नैक मील होते हैं और 3 प्रॉपर मील होते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है, और 2 स्नैक मील होते हैं, ये पकड़ के हमारे 5 मील्स कंप्लीट होते हैं। तो अभी तो वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, तो ये बात मुझे शेयर करनी थी। तो जब भी आप वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोटीन इंटेक लेना ना भूले। आप चाहे वेट गेन पे हो, वेट लॉस पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। वरना फैट के साथ साथ आपका अगर मसल लॉस भी होगा तो उसमें कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, और मसल हमारे बॉडी में जो काम करता है वो काम बाकी सारी चीज़ें नहीं करती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, अमिगोस।